जयपुर के बस्ती में प्रगतिशील विचार संघ के हरियाणा ब्राह्मण समाज जयपुर जिला अध्यक्ष बजरंग लाल बोहरा का अभिनंदन किया गया। बता दें इस दौरान हरियाणा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा भी मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें, प्रगति मंच से संरक्षक सेवानिवृत्ति आईजी महेंद्र चौधरी, अध्यक्ष नवल किशोर मीणा, महासचिव सुरेश यादव समेत मंच के अन्य सदस्य भी अभिनंदन कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज के नेताओं ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर विचार भी व्यक्त किया। अध्यक्ष नवल किशोर मीणा ने कहा कि सदैव कर्तव्य और निष्ठा के साथ समाज सेवा सहित राष्ट्रीय हित में कार्य करेंगे। राजनीतिक में भी हमारा सेक्टर जो एक नहीं, बहुत बड़ा जो एक नहीं, चाहे जयपुर जिला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक हो, जहाँ जहाँ विधानसभा क्षेत्रों में लोग रहते हैं अन्य जाति के, राजनीतिक से जो ताल्लुक रखते हैं, जो समाज हमारे समाज को जो एक नहीं सपोर्ट करेगा, राजनीतिक में जो पार्टी हमारे समाज को आगे बढ़ाएगी उसके नुमाइंदे को हम सपोर्ट करेंगे, विधानसभा में उसको चुनाव जिताएंगे, इस लक्ष्य के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में मुश्किल जरूर है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हर काम में जो एक नहीं, हमारा खुद का जो मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा कि समाज का उत्थान कैसे हो, बैठ करके सबसे विचार विमर्श करके, और जो आज शादियों में फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिए, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए जो भी बैठ के विचार करके, और जो भी सामाजिक उत्थान के कार्य होंगे उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और इनका सबका साथ लेकर के, और हम सामाजिक उत्थान के